जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज में। हम पढ़ रहे थे साथियों राजस्थान का इतिहास और हमारे प्रश्न चल रहे थे 1857 की क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपूताना में कौन सी छावनियाँ थी? तो देखिए, देवली, नसीराबाद, ब्यावर, ये सभी छावनियाँ जो है राजस्थान में उस समय थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? मतलब राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हुई थी तो ये हुई थी दोस्तों 28 मई 1857 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? तो उस समय जो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति का अंत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? क्रांति का अंत जो है सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जो विद्रोहियों को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर भी गया था वो अपने बीकानेर के सरदार सिंह थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब इनमें से जो सही है वो बताना है। 1857 की क्रांति असफल रही, सही है। शासकों को संतुष्ट करने हेतु गोद निषेध का सिद्धांत समाप्त कर दिया, ये भी सही है। राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया जाने लगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी अपना जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो अब देखिए प्रजामंडल आंदोलन के प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? ये की थी दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, मगराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? यह कांड जो है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इनमें से जो गलत है वो बताना देखिए। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, ये सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, ये भी सही है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास, ये गलत है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल व्यास सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इनमें से जो सही नहीं है वो बताना है देखिए। जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर घासीराम चौधरी, ये गलत हो गया क्योंकि घासीराम चौधरी अलवर से नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों भोगीलाल पांड्या द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? तो सिरोही का जो प्रजामंडल था उसके संस्थापक थे दोस्तों अपने वकुल भाई भट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। अब इनमें से प्रयागराज भंडारी नाम का जो नेता है वो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों जयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिए हुए हैं दो, देखिए 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी और कारण देर का 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति जो है प्रकट की थी। तो अब देखिए कि ए और बी दोनों सही है और बी जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे? तो कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों नैनूराम शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियाँ दे रखी है इनको जो है मिलाना। तो देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। फिर उसके बाद जयपुर प्रजामंडल, ये 1931 में सबसे पहले स्थापित हुआ था। 1936 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वापस सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है। किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी द्वारा स्थापित है, ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्रनाथ द्विवेदी, हरदेव जोशी, ठीक है। कुशलगढ़ प्रजामंडल गौरलाल निगम, सही है। चालावाड़ प्रजामंडल भंगीलाल भव्य और मकबूल आलम द्वारा स्थापित है। फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब इनमें से जो गलत है वो बताना है देखिए। तो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय युगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है, सही है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में उदयपुर में हुआ जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित और जयदेव कृपलानी ने भाग लिया, ये भी सही है। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था, ये भी सही है। 10 मई 1931 को जोधपुर में माणिकलाल वर्मा द्वारा अपने निवास स्थान पर मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना की, ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रजामंडल का विकास 3 चरणों में हुआ था? तो ये है दोस्तों डॉक्टर MS जैन, इन्होंने कहा कि प्रजामंडल का विकास 3 चरणों में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी?
जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब देखिए इन घटनाओं पर विचार करना है। पहली डाबड़ा, निमूजना, चंडावल और मानगढ़ पहाड़ी। अब इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो देखिए सबसे पहले हुई थी इनमें से मानगढ़ पहाड़ी की घटना, फिर उसके बाद हो गई थी अपनी निमूजना, निमूजना के बाद हुई थी चंडावल कांड, और फिर सबसे अंत में आएगा अपना डाबड़ा। तो 4, 2, 3, 1 इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किया था संत मावजी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे? तो भागड़ के गांधी जो हम कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? ये ऑर्डिनेंस जो है दोस्तों 1934 ईस्वी में जारी किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार मतलब ये क्या है? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ था? जैसा कि साथियों आप जानते हो बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का जो है जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, तो तेजावत जी जो है एक ही आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अब इनमें से जो गलत है वो पहचाना, मीणा किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है, बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी सही है, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत ये गलत हो जाएगा क्योंकि भील आंदोलन से संबंधित थे, और भगत आंदोलन गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? ये जनसंहार जो है दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी वाला हुआ था 1913 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलाना है। अब यहाँ तो सूचियाँ दी गई है, तो देखिए राजस्थान का गांधी हम कहते हैं किसको? गोकुल भाई भट्ट। पागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चुंडा, और राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वापस सूचियाँ दी गई है और इनको जो है मिलाना है। देखिए नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, सुरनई का जादूगर पेपे खां, खड़ताल का जादूगर सद्दी खां, मीनाकारी का जादूगर सरदार कुलदीप सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था? तो भारत सरकार ने जो है 1924 में ये एक्ट जो है लागू किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राज्य मीणा सुधार समिति का गठन जो है पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए सत्य कथन जो है बताना है। स्वतंत्रता के बाद 1952 में जयराम या जरायम पैसा संबंधी काला कानून रद्द हुआ था? सही है। मीणा समाज द्वारा अपने अस्तित्व के लिए मीणा जाति सुधार कमेटी है 1923 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया, ये भी सही है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में भील जनजाति का बहुत विवाद, ये भी सही है। और मारवाड़ का पोल आंदोलन चांदन सुराना और उसके साथियों द्वारा चलाया, ये भी सही है। इस प्रकार अपने सभी कथन जो है सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न अपने आएंगे। तलवार बंदाई क्या थी? साथियों आप जानते हो बिजुलिया से संबंधित है ये, और नए जागीरदार की गद्दीन सिनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुरू था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौवरी कर की प्रकृति थी, तो चौवरी कर कैसा था? तो ये था पुत्री के विवाह पर कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था? तो दूसरी बार बिजोलिया आंदोलन जो है चौवरी कर के कारण ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार बंदाई शुल्क था, तो तलवार बंदाई जो है एक उत्तराधिकारी शुल्क था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेकावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये थी दोस्तों अपने किशोरी देवी, इन्होंने जो है 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन जैसा कि आप जानते हो बेगू किसान आंदोलन से जो है संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों रामनारायण चौधरी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 1980 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी पटना स्थित मातृगुंडा नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो राशमी में जो है दोस्तों जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निमूजना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों अलवर रियासत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनोराम किस आंदोलन से संबंधित थे? ये थे दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? ये की थी दोस्तों मेवाड़ आंदोलन में, जो कि भारत में सबसे पहला किसान आंदोलन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया में जो है धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो ये थे दोस्तों अपनी आज की रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।